नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। अपनी रोड ट्रिप के अंतर्गत इस समय हम हैं गुजरात के शहर अहमदाबाद में। ये काफ़ी बड़ा शहर है गुजरात का और अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। इसके पिछले एपिसोड में हमने आपको गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम की सैर कराई थी और आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अहमदाबाद की और कुछ खूबसूरत जगहों पर, और साथ ही साथ हम आपको ओल्ड अहमदाबाद सिटी है जो एक्चुअल, जहां पर जाकर के आपको अहमदाबाद के कल्चर, यहां के ट्रेडिशन, यहां की हेरिटेज साइट्स का पता चलेगा, उसको घुमाएंगे। तो चलिए, लेट्स एक्सप्लोर अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद, द फॉर्मल कैपिटल ऑफ गुजरात, इज होम टू सम लवली लेक्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस म्यूजियम्स। इट इज़ अ मेजर इंडियन सिटी एंड वेरी वेल कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, सो देर आर मेनी ऑप्शंस लाइक रोड, एयर एंड रेल। नाउ वी आर एट मोढ़ेरा सन टेम्पल, और ये अहमदाबाद सिटी से करीब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ का एंट्री टिकट है 25 रुपीज फॉर इंडियन टूरिस्ट एंड फॉर फॉरिनर्स इट इज 300 रुपीज पर पर्सन। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पुष्पावती इन द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये टेम्पल जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये बनवाया था चालुक्य डायनेस्टी के राजा भीम सिंह जी ने, और इट वॉज डेडिकेटेड और इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य। पर अब यहाँ पर कोई भी पूजा नहीं होती है। नाउ दिस टेम्पल इज़ टेकन केयर बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बहुत ही खूबसूरत है। इसके बगल में स्टेप वेल्स भी हैं। अभी हम आपको चल करके ये सारे एरिया को, इस पूरे जो मंदिर प्रांगण है उसको आपको दिखाएंगे। सो चलिए, लेट्स गो एंड सी। ये सामने आपको जो बावड़ी या इसको वाव भी कहते हैं, और एक कुंड है पानी का जिसको राम कुंड कहते हैं, और ये पानी का एक, पानी इकट्ठा करने का एक अच्छा ज़रिया होता है। ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ इस तरह की बावड़ियाँ बनाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि रोड ट्रिप का अपना एक अलग आनंद होता है, तो ऐसे ही रास्ते पर चलते हुए मुझे एक ट्रैक्टर दिखाई दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं खेतों में गई और मैंने वहां पर ट्रैक्टर राइड का भी आनंद लिया। और मनु भैया का थैंक यू, इन्होंने हमें वो एक्सपीरियंस दिया जो मैंने लाइफ में कभी नहीं लिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड गुड। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अब हम आ गए हैं अदालत, जिसको रानी की वाव के नाम से भी जाना जाता है, और ये सामने एक खूबसूरत मंदिर, पहले हम इसके दर्शन करेंगे और उसके बाद हम बावड़ी में जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है कृष्ण जी का। एंट्री टिकट आपको लेना पड़ता है। फॉर इंडियन विजिटर्स इट इज़ 25 रुपीस पर पर्सन एंड फॉर फॉरेनर्स इट इज़ 300 रुपीस पर पर्सन। ये एक हिस्टोरिकल वेल है और
जहाँ पर एक अष्टभुजाकार शेप का वेल है जो करीब 16 पिलर्स के ऊपर बनाया हुआ है। और काफ़ी खूबसूरत है। इस जगह पर सन रेज बहुत कम पहुँचती हैं, इसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बाहर से काफ़ी कम होता है। तो आसपास के गांव से लोग यहां पर पहले पानी भरने आते थे, क्योंकि इस बावड़ी का पानी काफ़ी ठंडा होता था और लोगों को गर्मी में ठंडे पानी की जब भी आवश्यकता होती थी वो यहां से आकर के पानी भरते थे। अब हम जा रहे हैं ओल्ड सिटी अहमदाबाद घूमने के लिए, और इस जगह पर गाड़ी हमने पार्क की थी और यहाँ से हमने एक ऑटो रिक्शा लिया। तो ये ऑटो रिक्शा वाले भैया, इन्होंने हमारे लिए गाइड का काम भी किया और हमको वो सारी जगह दिखाई जो ओल्ड सिटी अहमदाबाद में काफ़ी फेमस मानी जाती हैं या जानी जाती हैं। सबसे पहले हम पहुँचे सिदी सैयद मस्जिद, जो कि अहमदाबाद में काफ़ी फेमस है और इसको जाली वाली मस्जिद भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर खूबसूरत जाली का नमूना आपको नज़र आ रहा है। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस इन अहमदाबाद। और ऐसा कहते हैं कि 1880 में किंगस्टन नाम के एक अंग्रेज़ अधिकारी ने इस जाली की हूबहू नकल को कागज़ पर उतारा था और उसका एक लकड़ी का मॉडल बनाया था जो कि आज न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। दिस इज़ भद्रा फोर्ट, और जो कि अभी रेनोवेशन के लिए बंद है। इसके बगल में ही भद्राकाली टेम्पल है जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी दर्शनार्थियों की, तो हम थोड़ा सा भीड़ भाड़ अवॉइड करते हुए वहाँ पर नहीं गए, लेकिन बाहर से हमने दर्शन कर लिए। भद्रा किला को बनवाया था अहमद शाह ने और ये बना था 1413 में और ये करीब 43 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। उस समय इसका यूज़ एक शाही दरबार के रूप में किया जाता था। और इसके ठीक बगल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि भद्रकाली मंदिर है और ये माना जाता है कि ये मंदिर जो है, या ये जो भद्रकाली मंदिर है, ये शहर की रक्षा करता है। भद्रा फोर्ट के ईस्ट में सिचुएटेड है तीन दरवाज़ा जिसको बनवाया था अहमद शाह ने, और ये अहमद शाह के महल में जाने का एंट्री पॉइंट हुआ करता था। यहाँ से बादशाह की सवारी जाती थी। यहाँ पर तीन बड़े बड़े गेट हैं जिसमें जो सेंटर वाला गेट है वो करीब 17 फीट चौड़ा है और साइड वाले 13 फीट के हैं। और इस दरवाजे से ऊपर की तरफ जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। नाउ वी आर एट जामी मस्जिद, और दिस मस्जिद इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, और साथ ही साथ ये यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और काफ़ी खूबसूरत मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और इसको बनवाया था चंपानेर के सुल्तान बेगड़ा ने 1509 में। इसमें हिंदू जैन कारीगरी और वास्तुकला का मिक्सचर है बहुत ही, और ये थोड़ा हाइट पर बनी हुई है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ कर के मस्जिद तक पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद ओल्ड सिटी इज ऑल्सो फेमस फॉर शॉपिंग, तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओल्ड सिटी में कुछ और ऐसे दरवाजे आपको नज़र आएंगे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर करीब 21 इस तरह के दरवाजे हैं जो एक ऐतिहासिक धरोहर है। जैसा कि हर पुराने शहर में आपको एक घंटा घर जरूर नज़र आता है, यहाँ पर भी आपको ये सामने एक घंटा घर नज़र आ रहा है। हमारे ऑटो रिक्शा वाले भैया ने हमको अहमदाबाद की ओल्डेस्ट बिल्डिंग दिखाई जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है।
काफी पुरानी ये बिल्डिंग है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है 1822 में बना स्वामीनारायण संप्रदाय का पहला मंदिर, और जिसे ब्रिटिश काल में स्वामी आदिनाथ के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को बर्मी टीक की लकड़ी से बनाया गया था, और ये जो नक्काशी है इसके ऊपर ये बेहद खूबसूरत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत आकृतियों को उकेरा गया है, उसमें सुंदर रंग भरे गए हैं। दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं स्वामीनारायण मंदिर में। बेस्ट फ्रेंड चित्रा, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। मैं जब से चली थी मुंबई से तब से सोच रही थी कुछ करूँ ना करूँ चित्रा को जरूर मिलूंगी, और आप बहुत अच्छा लगा। इतनी तैयारी की हमारे लिए, और अभी स्टोर में हाँ हमें मतलब घर का खाना चाहिए था, वो भी इतना। अभी आइए ना भैया, ये संजय जी। मैं पहले भी आके इनके साथ रह चुकी हूँ। Now we have come to the end of this episode. उम्मीद है आपको अहमदाबाद का ये सफ़र पसंद आया होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम गुजरात के एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।